Here's our new video on Indian Coast Guard recruitment on our channel Yo Search. Please, जो भी हमारे साथ हमारे नए friends जुड़े हैं वो हमारे channel को subscribe करें हमारी videos को like and share जरूर करें क्योंकि यहाँ पर हम आपको updated और latest information provide करते हैं related to recruitment, यानी की jobs, exams, bank exams, banking jobs, current affairs और बहुत सारी चीजें So आप हमारे channel को subscribe करेंगे so आप भी रहेंगे updated और हमारी videos को share करने से आपके फ्रेंड्स जो भी इंटरेस्टेड हैं इन जॉब्स में उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होंगी सो so, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो इज रिलेटेड टू इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट फॉर नेवी कुक एंड स्टीवर्ड पोस्ट सो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी रिलेटेड टू दिस पोस्ट वैकेंसी कितनी है क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एज क्राइटेरिया क्या है क्या बेनिफिट्स है एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसा है किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है सो so, आप मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि तभी आपको इसकी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो होगी और हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें सो so फ्रेंड्स जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी डोमेस्टिक ब्रांच रिक्रूटमेंट का ये ऑफिशियली रिलीज हो चुका है और यहाँ पर हम आपको इसकी सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं ये किसके लिए है सो so ये कुक एंड स्टीवर्ड की पोस्ट के लिए है इन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन सो इसके लिए है एंड स्पेशली ये इंडियन मेल कैंडिडेट्स के लिए है सो so इस चीज का आपको ध्यान रखना है और जो इसकी जॉब लोकेशन है वो एनी लोकेशन इन इंडिया है यानी कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन अभी प्रोवाइड नहीं की गई है अब अगर हम इसकी वैकेंसी डिटेल्स की बात करें सो द टोटल पोस्ट इज 50 जिसमें यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी पोस्ट है है की फाइव ओबीसी की है फोर्टीन एस की है थ्री एस की है एट जिसका टोटल बनता है फिफ्टी इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो थर्टीए नवंबर से स्टार्ट होगा यानी कि तीस नवम्बर ऐसी आप ऑनलाइन अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं एंड क्लोजिंग डेट जो है यानी कि जो लास्ट डेट है वो रहेगी सात दिसंबर सो so, आपने फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि कोई बहुत लंबे टाइम के लिए ये एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं रहेगा सो so, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें थर्टी नवंबर से स्टार्ट होगा एंड सेवेंथ दिसंबर यानी कि सात दिसंबर को लास्ट डेट है अप्लाई करने की ई एडमिट कार्ड जो है उनका प्रिंट आउट आप नाइनटीन से ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर यानी कि उन्नीस से पच्चीस दिसंबर के बीच में निकाल सकते हैं और जो एग्जाम की डेट है वो अर्ली जनवरी यानी कि जनवरी की स्टार्टिंग में हो जाएगा जिसकी एग्जैक्ट डेट अभी प्रोवाइड नहीं की गई है सो जनवरी ट्वेंटी में यह एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो so आपने प्लीज इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स को याद रखना है एंड जो भी हमारे कैंडिडेट्स इसके लिए इंटरेस्टेड हैं हमारे फ्रेंड्स जो भी इंटरेस्टेड और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बोर्ड so से, से आपका टेंथ क्लास जो है वो मिनिमम फिफ्टी यानी कि पचास मार्क्स से क्लियर होना चाहिए सो so आप एलिजिबल हो जाते हैं एंड फाइव रिलैक्सेशन मिलता है और एस सी कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो टू स्पोर्ट्स पर्सनल जिसने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शो की है नेशनल लेवल पे इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप में या ओपन नेशनल चैंपियनशिप में जिन्होंने भी फर्स्ट सेकेंड या थर्ड पोजिशन को ऑप्टेन किया है वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको फाइव परसेंट रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड होगा ये जो जॉब है मैंने आपको बताया ये कुक और स्टीवर्ड की पोस्ट के लिए है जिसमें जो कुक है उनको खाना बनाना टू प्रिपेयर फूड एज पर मेन्यू जो भी प्रोवाइड होगा एंड उसमें बोथ यानी कि नॉन वेजिटेरियन एंड जिटेरियन फूड आपको आना चाहिए एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स हैंडलिंग ऑफ मीट प्रोडक्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ राशन ये कुक के लिए है एंड स्टीवर्ड के लिए जो है दे वुड बी रिक्वायर टू सर्व फूड एंड ऑफिस हाउस कीपिंग मेंटेनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफ फंड वाइन एंड स्टोर्स हैंडलिंग प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू यानी कि जो भी हाउस कीपिंग वेटर्स या प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे मेंटेनेंस में हेल्प करेंगे वो स्टीवर्ड है एंड फॉर कुक पोस्ट जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको खाना प्रिपेयर यानी कि फूड प्रिपेयर करना रिक्वायर्ड होगा एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज इज 18 एंड मैक्सिमम इज 22 यानी कि 22 साल जो है वो मैक्सिमम एज है और 18 जो है वो मिनिमम एज है सो so जो भी कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एज में हैं और अगर आप एलिजिबल हैं सो आप इसको जरूर अप्लाई करें अपर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है फाइव इस का फॉर एस सी एंड एस टी एंड थ्री इस का फॉर ओ बी सी कैंडिडेट इसके जो पे पर्क एंड और, और बेनिफिट प्रोवाइडेड है वो आप हमारी वेबसाइट पर यानी कीट पर आकर भी देख सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पर भी ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसके साथ साथ आप इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी जरूर रीड करें एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पोस्ट दिस पर्टिकुलर एग्जाम आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड वी विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई यू अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर सो जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन है थर्टीथ नवंबर से स्टार्ट होगा और 7 दिसंबर इसको आप ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट जी ओ वी डॉट आई एन पर जाकर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इसमें आपको अपना फादर मदर का नेम आपका अपना नेम योर डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका क्लास टेंथ के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है जो भी मैंशन है वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे आप प्रोवाइड करना है इसके साथ ही आपको टेंथ की परसेंटेज प्रोवाइड करनी है एंड एक चीज का आप ध्यान रखें भी आप अपना पर्सनल ई मेल और मोबाइल नंबर जो आप फिलअप करेंगे वो कम्पल्सरी है फिल करना सो so, इस चीज को आप ध्यान रखें कि वो बिल्कुल करेक्ट और वैलिड हो एंड वो नंबर एक्टिव हो क्योंकि उसी पर आपको काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी रिलेटेड टू दिस एग्जाम डेट टाइम एंड सेंटर ऑफ रिटर्न एग्जाम एंड अदर इंफॉर्मेशन विल बी इन्फॉर्म थ्रू पोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट वेबसाइट सो जो ये वेबसाइट है इसके थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम टाइम एग्जाम डेट एंड एग्जाम सेंटर ये प्रोवाइड हो जाएगी एंड जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने एप्लीकेशन में वन सेंटर ही अपनी चॉइस का फिल कर सकते हैं सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अब हम बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसीजर की सो so, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉर्ट आउट होंगे वो सेंटर वाइज होंगे सॉर्ट आउट एंड जो इनका टेस्ट है मैंने आपको बताया कि वो जनवरी के अर्ली यानी कि स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है वो हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेसिस पर ही होगा एंड अगर इन एनी सेंटर जो हायर परसेंटेज की एप्लीकेशन है वो ज्यादा है तो so, उसकी क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटेज भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज कर दी जाएगी इसका जो एग्जाम है विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड इट विल कवर सब्जेक्ट्स लाइक क्वॉंटिटी एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स जनरल साइंस जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज होगा साथ ही रीजनिंग एंड जो भी कैंडिडेट्स रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वो एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे एंड देन इनिशियल मेडिकल एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है अगर हम बात करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पी की सो so उसमें जो है आपका सिक्स किलोमीटर रन टू बी कम्प्लीटेड इन सेवन में ट्वेंटी स्क्वाड्स टेन पुश अप ये सारी चीजें कंसिस्ट होंगी इन योर फिजिकल टेस्ट और जो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी कि जो मेडिकल एग्जाम होगा उसमें आपका हाइट योर चेस्ट वेट हियरिंग यानी कि आपका सुनने की शक्ति विजुअल स्टैंडर्ड योर आई साइट सो ये आपका उसमें सब प्रॉपर चेक किया जाएगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि आपको अपने रिटर्न एग्जाम के साथ इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहना है उसके बाद जो है ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो अप्रैल 2021 यानी कि अप्रैल 2021 में स्टार्ट होगी उसके बाद उसमें उसमें सी ट्रेनिंग ट्रेनिंग है है उसके बाद प्रोफेशनल इन द अलॉटेड ट्रेड ट्रेड जो भी आपको आपको प्रोवाइड होगा उनमें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और जो भी आपको ब्रांच या ट्रेड प्रोवाइड किया जाएगा दैट विल बी एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर योर परफॉर्मेंस सो इन दोनों चीज के बेसिस पर ही आपको ब्रांच या ट्रेड आपका प्रोवाइड किया जाएगा सो फ्रेंड्स ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी है रिलेटेड टू इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हमारी इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो वी विल बी बैक विद मेनी मोर अपडेटेड एंड न्यू वीडियोस ऑन आवर चैनल योसर थैंक यू